आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज गिवन, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन गिवन है, अ स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ देयर स्कूल स्टाफ टू फाइंड देयर बेवरेज प्रेफरेंसेस। Each of them picked either tea or coffee as their first preference and then with sugar or without sugar as their second preferences as shown in the figure below. So total staff hai, coffee and tea, isme bhi with coffee with sugar, coffee without sugar ka option hai, tea mein bhi do option hai, with sugar or without sugar. Ab hume kuch in survey ke according kuch insights given hai, उनको अब हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला है 60% ऑफ द स्टाफ प्रेफर कॉफी, 90% दोज हु प्रेफर कॉफी प्रेफर इट विद शुगर एंड 20% दोज हु प्रेफर टी प्रेफर इट विदाउट शुगर। इसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके डेटा को यूज करते हैं। कैसे? देखिए, टोटल स्टाफ है, उसमें से 60% कॉफी को पसंद करते, प्रोबेबिलिटी कि 60% स्टाफ कॉफी को पसंद करता है तो कितनी हो जाएगी? 0.6। ठीक है, अगर आप देखिए कॉफी को पसंद करने वाला स्टाफ की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, चाय पसंद करने वालों की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4। नेक्स्ट, 90% कॉफी इट विद शुगर, कॉफी विद शुगर लेते हैं 90%, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.9। ठीक है, तो कॉफी विदाउट शुगर पसंद करने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसको भी 1 से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.9, तो ये हो जाएंगे 0.1। ठीक है, अब 20% टी विदाउट शुगर, मतलब 0.2, टी विदाउट शुगर अगर 0.2 हो गई प्रोबेबिलिटी, तो विद शुगर कितनी हो गई? 1 में से माइनस कर दिया, 0.8। हमने सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन और इनमें प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू फाइंड आउट करके फाइनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम द स्टाफ प्रिफर्स अ बेवरेज विद शुगर, शो योर स्टेप। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टी या कॉफी बट विथ शुगर, मतलब टी और कॉफी लेकिन होनी चाहिए विथ शुगर। तो अब हमें दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, एक बार टी की विथ शुगर और एक बार कॉफी की विथ शुगर। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जब वो कॉफी पी रहा है, लेकिन अगर कॉफी चूज कर, लेकिन क्या है, विथ शुगर है तो शुगर के संग कॉफी होनी चाहिए, प्लस अगर उसने प्रोबेबिलिटी है कि उसने टी चूज कर ली, अब इसमें भी तो कंडीशन हो जाएगी शुगर के संग होनी चाहिए टी, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कॉफी इज 0.6, प्रोबेबिलिटी की कॉफी विथ शुगर हो तो 0.9। ठीक है, ये हो गया, प्लस अब प्रोबेबिलिटी की वो टी चूज करता है तो इसकी कितनी है? 0.4, और प्रोबेबिलिटी की वो टी विथ शुगर लेता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6 9 54, तो 0.54 और 8 4 32, 0.32, दोनों को ऐड कर लेते हैं, फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई 0.86। मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? वो स्टाफ चाय प्रिफर करे या कॉफी, लेकिन विथ शुगर की प्रोबेबिलिटी 0.86 हो गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम द स्टाफ सिलेक्टेड एट रैंडम प्रिफर्स कॉफी गिवन दैट इट इज विदाउट शुगर, शो योर स्टेप। देखिए, पहली बात कॉफी है और विदाउट शुगर, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे बेस फॉर्मूला, क्योंकि ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो बेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे किया जाएगा? देखिए, कंडीशन क्या है, जो स्टाफ रेंडमली चूज किया कॉफी हो दी गई है, विदाउट शुगर चूज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कॉफी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कॉफी विदाउट शुगर, ओके, यही तो हमें निकालनी है, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी रखी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कॉफी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कॉफी विदाउट शुगर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टी विदाउट शुगर, तो कैसे लिखेंगे? बार एस अपॉन टी। बस अब सबकी वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं,
तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू कॉफी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 विदाउट शुगर की, हम इसी जो हमारे पास एक ट्री के फॉर्म में दिया है प्रोबेबिलिटी लेके पुट कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो सेम ही हो जाएगा 0.6 इंटू 0.1, और उसने टी चूज करी, टी चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, टी की 0.4 है इंटू विदाउट शुगर की कितनी है 0.2। बस हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऊपर तो हो गया 0.06 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा ये अपॉन में 0.6 इंटू 0.1 फिर से करेंगे तो 0.06 प्लस इसको कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2, ये तो 0.08 आ जाएगा, 0.08। अब ऊपर का तो सेम ही रहेगा, कितना हो जाएगा 0.06 प्लस 0.08, तो 0.06 अपॉन 0.14। अब हमें इसको डिवाइड करना है, 0.06 को डिवाइड करेंगे 0.14 से तो आंसर आ जाएगा 0.12। तो हम कह सकते हैं कि कॉफी विदाउट शुगर चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.42 हो जाएगी। तो ये आ गए हमारे दोनों आंसर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।